तो बच्चों आज जो हम पढ़े हैं वर्णमाला और उसके वर्ण कितने प्रकार है, वर्णमाला किसे कहते हैं, कौन से वर्ण का मात्रा होता है उसके बारे में भी पढ़े। तो बच्चों ये आपके जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है मात्राएं, इसका पढ़ाई था आज के लिए। तो बच्चों आप, मुझे आशा है कि आप सब ये सही ढंग से समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो बच्चों तो आए थोड़ा जाने कि आप कितना सीखे हैं, ये जो आपका पुस्तक में दिया है जो प्रश्न उसको थोड़ा करेंगे और मैं इसको करने में आपकी सहायता भी करूंगी। नंबर 1 चैप्टर 2 का देखो बच्चों, ये वाला जो है ये है चैप्टर 2 यानी कि आपका जो है वर्णमाला उसका। नंबर 1 नीचे दिए गए शब्द के वर्ण अलग अलग करके लिखना, जैसे कि हाथी दिया है यानी कि ह युक्त ई बड़ी, तो इसको हमें अलग करके लिखना है। जो शब्द दिया है उसके जो वर्ण है उसको हमें अलग करके लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए है। जैसे ये पहला वाला दिया है, बाकी सभी मैंने ऐसे की है। आप लोग इसको कॉपी में जो लिख कर दे दूंगी आपको तब आप देख लेना, सिर्फ अभी मैं पढ़ लेती हूँ। जो का ज ओ क अ र अ अमरुद अमर अर उ द अ अमरुद। उसके बाद है टेलीफोन ट ए ल ई ल बड़ी फ ओ न अ, यानी कि ये हुआ टेलीफोन का वर्ण। किताब, किताब कैसे बनता है, क प्लस छोटी युक्त त प्लस आ युक्त ब प्लस अ, यानी कि ये बनता है किताब। तो बच्चों ये हो गया आपका नंबर 1। 2 नंबर देखो, खाली स्थान को बनना है। हिंदी भाषा में डैश स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं बच्चों आप आज जाने, 11 स्वर होते हैं, अ से उ तक 11 होते हैं, तो यहाँ पे आपको 11 लिखना है। ख, हिंदी भाषा में डैश व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं क से ह तक, 33 व्यंजन होते हैं, तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, 33 यानी कि 33 आपको लिखना है। ख सॉरी ग नंबर देखो, क्षत्र ज्ञस्र ये जो 4 है बच्चों ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों को मिलाकर बना होता है तो ये होता है संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पे आपका संयुक्त लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं, सबसे छोटी यानी कि जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है बच्चों क्या है वो, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्ण। व्यंजनों को बोलने के लिए डैश की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजनों को जब हम बोलेंगे तो किसकी सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये रहा आपका नंबर 2। नंबर 3 मिलन करना, यानी कि जो यहाँ पे वर्ण के प्रकार दिया है उसका जो संकेत है उसके साथ मिलाना है। अनुस्वर एक मिला दिया है, देखो बच्चों ऐसे होता है अनुस्वर। उसके बाद दिया है अनुनासिक, यानी कि जो चंद्रबिंदु ये वाला होता है अनुनासिक। विसर्ग यानी कि जो ऐसे होता है दो डॉट जो होता है, बिंदु जो होता है जो कि व्यंजन के बाद लगता है। हलंत बच्चों नीचे लगता है, यहाँ पे गलती से ऊपर दे दिया है, ये ऐसे सिर्फ आएगा ऐसे, हलंत व्यंजन के नीचे लगता है। उसके बाद आया आगत, यानी कि मैंने बोलती जो अंग्रेजी शब्दों के साथ आता है आ, तो ये आगत वर्णों का आ। तो बच्चों ये आ रहा आपका 3 नंबर। उसके बाद 4 नंबर, संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द बनाना, मतलब कि यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन दिया है उसको लगाकर आपको दो दो शब्द बनाना है, जैसे कि ख्य पे दक्ष शिक्षा, दक्ष शिक्षा कक्षा, ये सब आप लिख सकते हो। त्र पे नेत्र पत्र छात्र, ये आप लिख सकते हो। ज्ञा पे विज्ञा अविज्ञा ज्ञान विज्ञान, ये सब लिख सकते हो। स्र पे श्रमिक श्रम आश्रम परिश्रम, ये भी सब लिख सकते हो। तो आप जो भी शब्द चाहे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी दो दो शब्द लिख दिए, इसको भी लिख सकते हो, अलग से शब्द चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 5 अनुसार और अनुनासिक वाले 4 शब्द लिखना, यानी कि अनुसार लगा के 4 लिखना है और अनुनासिक लगा के 4 लिखना है। जैसे मैंने अनुसार लगा के लिखी कंगन वंदर गंगा अंक, वैसे आप अलग भी लिख सकते हो। अनुनासिक को लगा के लिखी चांद आंख सूंड आंगन, और आप चाहो तो अलग शब्द भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये रहा आपका पाठ 2 का अभ्यास, यानी कि कितने सीखा, और आज हम पाठ 3 को भी पढ़े हैं ना मात्राएं के बारे में, तो चलो इसके अभ्यास भी आज जान लेते हैं। पहला वाला है देखो, छवि दिया है, इसमें आपको सिर्फ मात्रा लगाना है। ई म ल यानी कि ये है इमली, तो इस पर बड़ी ई की मात्रा आएगा। घड़ा यानी कि ये है घोड़ा, घ पे ओ की मात्रा, ड पे आ की मात्रा, घोड़ा। खरगोश, खरगोश है ये, ग पे ओ की मात्रा आएगा।
ये है बच्चों आप जानते हो गिलास, गी ग पे छोटी की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, स गिलास। उसके बाद है तोता यानी कि त पे ओ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, तोता। उसके बाद ये है छाता, छ पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, छाता। इसका मैंने कॉपी पे भी लिख दिए है, आप इसके सहायता भी ले सकते हो। नंबर दो, नीचे गए सब स्वरों के स्थान पर मात्रा लगाकर व्यंजन लिखना है। जैसे देखो क युक्त तो ओ की मात्रा दिया है तो आपको ऐसे क पे ओ की मात्रा लगा कर लिखना है कऊ। भ युक्त तो बड़ा ओ की मात्रा यानी कि भप के नीचे बड़ी ओ की मात्रा देकर लिखना है भू। च युक्त तो ई यानी कि च पे बड़ी की मात्रा देकर लिखना है ची। ऐसे बाकी सबको भी मैंने इस कॉपी में लिख दी हूँ, आप इसको अपने कॉपी में उतार लेना। नंबर तीन, नीचे दिए गए शब्दों में लगी मात्राएं लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है फली तो ल पे बड़ी की मात्रा लगाए तो मैंने इसको अलग कर दी। लौकी यानी कि ओ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। सपेरा यानी कि ए की मात्रा और आ की मात्रा। कृषक यानी कि रू की मात्रा लगाए। इसी प्रकार मैंने बाकी सबके भी मात्रा यहाँ पे लिख दिए। तो आप ये जो कॉपी में मैंने लिखी है आपके कितने सीखे, चैप्टर दो और चैप्टर थ्री यानी कि पार्ट दो और पार्ट थ्री, वर्णमाला और मात्राएं दोनों का कॉपी में लिख लेना। अगर कोई भी समस्या आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना। तो बच्चों ये रहा आपका चैप्टर टू और थ्री, इसको इसके जो अभ्यास है कितने सीखा है इसको आप अपने कॉपी में लिख देना और अभ्यास अपने आने वाली परीक्षा के लिए तैयार रहना। धन्यवाद। घर में रहो, स्वच्छ रहो, सुस्त रहो।